गुड मॉर्निंग बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू लेसन 4.6 माय टेलीस्कोप। माय मतलब मेरा, टेलीस्कोप आप लोगों को पता है, ये टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम दूर आसमान में जो तारे वगैरह होते हैं, तारे चांद, इनको देखने में ये हमारी सहायता करता है। जो दूर की चीज़ें हमें पास करीब लाता है। इस तरह सीधा पिक्चर हो गई है, दिस इज़ द टेलीस्कोप। इसके द्वारा हम लोग सितारों को, तारों को सब देख सकते, आसमान में क्या है इसका आइडिया हम लगा सकते। तो टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप से हम आसमान को देख सकते और उससे हमने दूर दूर की चीज़ें हमें नज़र आती है। ओके, आई बॉट माई सेल्फ अ टेलीस्कोप टू लुक इन टू द स्काई टू सी द सोलर सिस्टम एंड द कॉमेट्स विजिंग बाय। क्या है, एक पोएम में यहाँ पे बताया जा रहा है, I bought myself एक टेलीस्कोप। लड़का बोल रहा है मैंने अपने लिए क्या लाया है, टेलीस्कोप लाया है टू लुक इन टू द स्काई, ताकि मैं आसमान में देख सकूँ, आसमान देख सकूँ, क्या है आसमान में, टू सी द सोलर सिस्टम एंड द कॉमेट्स विजिंग बाय। टू सी द सोलर सिस्टम मतलब सोलर सिस्टम और उसके बाकी के जो प्लैनेट्स है, सूरज है, चांद है, बाकी के तारे, नेपट्यून्स, प्लूटो, यूरेनस वगैरह है, ये सब देखने के लिए उसने वो टू सी द सोलर सिस्टम बोल रहे हैं। इन सब चीज़ों को, प्लैनेट्स को देखने के लिए, ग्रह को देखने के लिए वो लाया है। एंड द कॉमेट्स विजिंग बाय, कॉमेट्स मतलब वो एक ये रहते तारे जैसे रहते हैं जो, इट्स अ बॉडी ऑफ आइस एंड डस्ट। ओके, वो एक आइस का बना हुआ और डस्ट से, मतलब आसमान में भी डस्ट होते, जैसे यहाँ पे ज़मीन में डस्ट होते वैसे आसमान में भी डस्ट होते। एक हेविली बॉडी और एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें आइस और डस्ट का मिक्सचर होता है और उसमें एक छोटा सा टेल जैसा, कॉमेट जैसा होता है। कभी कभी टीवी में वगैरह दिखाते धूम केतु या बोलते वी स्टार्स कॉमेट्स, तो उसको पास होते हुए देखने के लिए वो ये सब देखने के लिए वो टेलीस्कोप लाता है। आई सर्च द स्काई फॉर द प्लैनेट्स फॉर द सैटेलाइट्स एंड द स्टार। वो क्या सर्च करने लगा आसमान में, आई सर्च द स्काई फॉर प्लैनेट्स, प्लैनेट्स देखने लगा और सैटेलाइट्स और स्टार्स को। एंड नाउ आई गॉट अ टेलीस्कोप दे डोंट सीम वेरी फार। बोलता अब मेरे पास क्या है, टेलीस्कोप है और टेलीस्कोप से क्या है, वो सब मुझसे मेरे पास है, ऐसे नज़र आते अब मेरे से वो दूर नहीं है, ऐसा नहीं। इट इज़ ब्रॉट द वेरी क्लोज टू मी, इट्स इज मेड द स्टार माई फ्रेंड। बोलते टेलीस्कोप ने क्या किया, इन तारों को काफ़ी मेरे पास लाया, क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं तो वो क्या आसमान में जो तारे वगैरह होते हैं वो ऐसा लगता है बहुत करीब है, मेरे पास है। तो बोलते ये सब तारों को उसने मेरे पास लाया है और मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये तारे सब मेरे दोस्त है। इट्स मेड द स्टार्स माई फ्रेंड्स एक्सेप्ट ऑफ कोर्स व्हेन आई मेक अ मिस्टेक एंड लुक थ्रू द रॉन्ग एंड एक्सेप्ट ऑफ कोर्स व्हेन आई मेक अ मिस्टेक, मतलब कभी कभी क्या होता है गलती होती है, बच्चों को समझ में नहीं आता कहाँ से देखना है। जब अगर उल्टा दिशा में घुमा के देखें तो देखिए तो वो अपने को काफ़ी अलग लगता है। तो एक्सेप्ट ऑफ कोर्स व्हेन आई मेक अ मिस्टेक एंड लुक थ्रू द रॉन्ग साइड, ऐसे देखना, जो छोटा हिस्सा रहता है वो आँखों की तरफ रखना रहता है और जो मोटा जो हिस्सा रहता है वो उस तरफ ऊपर की तरफ। कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता तो वो जो मोटा हिस्सा रहता है वो वहाँ से देखते, तब क्या होता है, इट बिकम्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। दिस इज़ व्हाट द पोएम इज अबाउट द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से क्या है, जो आसमान में जितने तारे, कॉमेट्स, सेटेलाइट्स वगैरह जो भी है वो आपको काफ़ी पास लगने लगता है। दिस इज़ व्हाट द पोएम इज। Let's read again. I bought myself a telescope to look into the sky to see the solar system and the comet whizzing by. I searched the sky for planets, for satellites and stars, and now I've got a telescope that don't seem very far. It's brought them very close to me. It's made the stars my friends. Except of course when I make a mistake and look through the wrong end. Written by Tony Bradman. ये poet का नाम है. Okay. I hope you understood the about the poem telescope. कि ये लड़का क्या बोल रहा है, I bought myself अपने लिए एक telescope लाया ताकि मैं
स्काई देख सकूँ, स्काई में क्या क्या है, क्या सोलर सिस्टम्स क्या है, कॉमेट्स वगैरह क्या होते, प्लैनेट्स और तारों को देख सकूँ, इसलिए मैंने टेलीस्कोप अपने लिए लाया है। एंड नाउ आई हैव गॉट द टेलीस्कोप, दे डोंट सीम वेरी फार। अब मेरे पास टेलीस्कोप है तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें जो तारे हैं, ग्रह है, प्लैनेट्स, बाकी जो सैटेलाइट्स है वो मेरे से दूर नहीं है, मेरे आसपास ही पास ही है। टेलीस्कोप के ज़रिए क्या हुआ, ये सब चीज़ें उसके पास आ गए और उसको लगने लगा कि जैसे ये तारे सब उसके दोस्त थे। ओके, दिस इज़ व्हाट द पोएम इज अबाउट द टेलीस्कोप। सी व्हाट डू यू सी इन द स्काई, आप आसमान में क्या क्या देखते हो, ये आपको मेंशन करना है। ड्रॉ हिज स्टार स्काई एंड कलर इट, एक स्टार स्काई ड्रॉ करना है आपको, जिसमें आसमान में स्टार्स वगैरह होंगे उसको ड्रॉ करना है, कलर करना है। लुक एंड से, दिस इज द हार्ड वर्ड स्पेलिंग देयर। फार मतलब दूर, सीम मतलब मानते हैं हम लोग, वी कैन से इट इज वी सीम टू, जैसे हम मानते हैं। स्टार्स, सोलर, कॉमेट्स, सिस्टम, बॉट, माइसल, सर्च, प्लैनेट्स, टेलीस्कोप, वीजिंग, सैटेलाइट्स। ओके, वीजिंग का मतलब मूविंग स्विफ्टली, मतलब एकदम आराम से मूव होते हुए, घूमते हुए, आवाज़ करते हुए। ओके, सैटेलाइट ये होता है बॉडी अराउंड अ बिगर बॉडी एंड ऑब्जेक्ट सच एज मून। अभी मून एक सैटेलाइट हम कह सकते हैं, मून एक सैटेलाइट है दैट मेक मूव्स अराउंड द मच लार्जर प्लैनेट। वो क्या है, दूसरा इसके ऊपर, प्लैनेट के ऊपर वो घूमता है, इर्द गिर्द घूमता है। तो जो ये है सैटेलाइट क्या होता है, वो एक हेवनली बॉडी होता है जो दूसरे के इर्द गिर्द घूमता है। दिस इज़ व्हाट द पोएम इज। थैंक यू।